कल हमारे अंडमान निकोबार के जंगलीगढ़ इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कल पूरा देश खुशियां मनाने में व्यस्त थी, अचानक खुशियां मातम में बदल गई। हुआ यूं कि एक एक्सयूवी कार जिनमें 3 लोग सवार थे जंगलीगढ़ के जट्टी में हादसे का शिकार हो गई। कार जट्टी के अंदर अपना संतुलन नहीं बना पाया और सीधा समुंदर में गिर गई। लोगों ने बताया कि कार में सवार लोग कुछ ज़्यादा ही जश्न मना लिए थे। कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और गिरते समय कुछ देर इन रस्सियों पर भी लटका रहा, उसके बाद सीधा पानी के अंदर चला गया। आप कार को देख सकते हैं, यही वाइट रंग की कार थी जिसके साथ ये हादसा हुआ, और आपको ये रस्सियाँ भी दिखाई दे रही होगी। इन रस्सियों में कुछ देर जो है कार लटका रहा था, लेकिन उसके बाद जो है सीधा पानी के अंदर चला गया। तुरंत ही अबडीन पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई और कार को पानी के अंदर से निकालने की प्रक्रिया आनन फानन में शुरू कर दी गई। यह रात तकरीबन 8 बजे की घटना है। रात के लगभग 10 बजे तक कार को पानी से बाहर क्रेन की सहायता से निकाल दिया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार आदेश, अजय मिंच और जस्टिन नाम के व्यक्ति इस कार में सवार थे। आदेश और अजय मिंच फ्रंट सीट में सवार थे और जस्टिन पीछे वाली सीट में। जस्टिन कार से बाहर निकलने में सफल रहे और रस्सियों का सहारा लेकर ऊपर आ गए, लेकिन उनके बाकी दोनों साथी जो कार के सीट में थे मौत से अपनी जंग को हार गए और दोनों की बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। जस्टिन को और कोई सीरियस इंजरी नहीं है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी वह बिल्कुल स्वस्थ है।